दोस्तों, अगर मैं आपसे पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे खूबसूरत और रोचक चीज की बात करूं, तो आपके मन में वह कौन सी वस्तु होगी जिसकी याद आपको सबसे पहले आएगी? आप में से बहुतों के जवाब अनेक प्रकार के होंगे। जैसे किसी को पहाड़ों में घूमना पसंद होगा, तो किसी को समुद्र में डुबकी लगाना अच्छा लगता होगा, वहीं पर किसी को डॉल्फिन्स को देखना पसंद होगा, तो किसी को जंगल में शेरों को देखना पसंद होगा। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पृथ्वी की सबसे खूबसूरत, रोचक और साथ ही साथ सबसे रहस्यमय चीज पहाड़ समुद्र होकर एक प्यारी सी रंग बिरंगी तितली होती है? तो क्या आप मानोगे? हाँ दोस्तों, मैं उन तितलियों की ही बात कर रही हूँ जिनको आप साल के वसंत ऋतु में अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ उड़ते देख सकते हैं। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर में ये नन्ही सी तितलियाँ कहाँ से आ जाती हैं, और कुछ दिन उड़ने फिरने के बाद ये फिर अचानक से कहाँ गायब हो जाती हैं? अरे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना? और सोचा भी था तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारी रंग बिरंगी नन्ही सी तितलियों पे ही केंद्रित है, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन रहस्यमय जीवों के बारे में कुछ नया जरूर बता पाएं। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों, तितलियाँ देखने में कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर इनकी जिंदगी वास्तव में रहस्यों से भरपूर रहती है। तितलियों की गिनती कीट वर्ग या इंसेक्ट स्पीशीज में की जाती है। ये सामान्य रूप से हर जगह पाई जाती हैं, पर इनका जीवन बहुत ही अद्भुत होता है। ये शायद एकमात्र ऐसा जीव होती है जिनका जीवन उन्नति बहुत चरणों से होकर गुजरती है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक तितली अपने संपूर्ण रूप को अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त करती है। तो ये पूरी प्रक्रिया चार स्टेजेस में बटी हुई है, जिनमें से पहली स्टेज है एग स्टेज। ये पूरी प्रक्रिया एक मादा तितली से शुरू होती है। मादा तितली एक खास तरह के पौधे पर ही अपने अंडे देती है। उन पौधों को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। अंडों की संख्या करीब करीब 100 से 200 के बीच होती है। मादा तितली पत्तों के निचले हिस्सों में ही अंडों को जन्म देती हैं, ताकि अंडे बारिश हवा से सुरक्षित रह सके। अब इसके कुछ दिनों बाद हम सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम लार्वा या कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद अंडों को तोड़कर उनमें से छोटे छोटे रेंगने वाले जीव निकलते हैं, जिनको हम कैटरपिलर या इल्ली बोलते हैं, और साथ ही इस कंप्लीट प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। अब अंडों से निकलने के बाद ये इल्लियाँ खाने पे टूट पड़ते हैं, और सच बताऊं तो ये एक नंबर के भुक्कड़ होते हैं। ये जैसे ही अपने अंडों से बाहर आते हैं, वैसे ही इनका सबसे पहला भोजन इनके अंडे ही होते हैं, और फिर उसके बाद ये पेड़ों के पत्ते चट करने में लग जाते हैं, और देखते ही देखते पूरे पौधे की पत्तियाँ गायब हो जाती हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये कैटरपिलर 5 से 10 दिनों के अंतराल में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि ये अपने जन्म के साइज से 1000 गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में ये कई बार अपनी स्किन या त्वचा को भी उतारते हैं, क्योंकि इनका साइज हर दिन बढ़ता है। अब एक पुरानी स्किन को उतारने में और नई स्किन आने तक, और फिर उस नई स्किन को उतारने की प्रक्रिया को हम इंस्टार बोलते हैं। 5 से 7 इंस्टार प्रक्रिया के बाद कैटरपिलर अपनी मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है, और अंत में वह पेड़ की टहनियों पे या पत्तों के निचले हिस्सों में जाकर अपने आप को वहां पे स्थापित कर देता है, ताकि वह वहां पर सुरक्षित रह सके। और खुद को स्थापित करने के बाद ये अंतिम बार अपनी स्किन को उतारता है, और उसके बाद इसके ऊपर एक कोमल और नई स्किन आ जाती है, जिसके बाद कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में आ जाता है। प्यूपा स्टेज। अब उस कैटरपिलर की कोमल त्वचा कुछ समय के अंतराल के बाद कठोर होने लगती है, और धीरे धीरे वह उस कैटरपिलर को पूरी तरह से ढक लेती है, और अब इस ऊपरी लेयर को हम क्रिसलिस बोलते हैं, जो कि एक सुनहरे रंग की होती है। ये क्रिसलिस कुछ समय के अंतराल के बाद एक बहुत ही ठोस लेयर की हो जाती है, जिसको हिंदी में हम कोकून भी बोलते हैं। ये कोकून कैटरपिलर को बारिश हवा और पंछियों से बचाता है। इस कोकून के अंदर रहते हुए कैटरपिलर में बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं।
और फिर 7 से 10 दिनों के अंतराल के समय ये कैटरपिलर कोकून में चुपचाप बिना हिले उसमें बने रहता है और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उस कोकून का रंग सुनहरे रंग से एक भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। और परिवर्तन के इस अंतिम दिनों में हम तितली को उसके कोकून में आसानी से देख सकते हैं। और फिर अंत में वह कैटरपिलर एक बहुत ही खूबसूरत रंग की तितली में कन्वर्ट होकर अपने कोकून से बाहर निकलता है। और करीब करीब 1 घंटे के अंतराल के बाद जब उसके पंख जो भीगे हुए थे वह सूख जाते हैं और उस नन्ही सी तितली के अंदर ऊर्जा आ जाती है, तब वह अपनी ऊंची उड़ान भरती है और अपनी खूबसूरती से चारों ओर छा जाती है। और इस अंतिम स्टेज को हम एडल्ट स्टेज बोलते हैं। तो देखा आपने, ऐसे जन्म लेती हैं हमारी तितलियाँ। अब चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें समझते हैं। दोस्तों, तितलियों को हम बटरफ्लाई के साथ साथ इनको हम फ्लाइंग फ्लावर्स भी बोलते हैं। हर तितली के 2 ट्रांसपेरेंट पंख होते हैं और इनके टोटल 6 पेयर होते हैं। और क्या आपको पता है, तितलियाँ अपने पैरों से ही किसी भी वस्तु का टेस्ट पता कर लेती हैं। और तो और, ये बस हमें सूर्य की रोशनी में ही दिखती हैं। आप ये गलत फहमी में ना रहना कि रात में भी तितलियाँ नजर आती हैं। आप जो रात को देखते हो उसको हम मोत बोलते हैं। ये दिखने में एकदम तितली की तरह ही नजर आते हैं, पर इनमें और तितलियों में बहुत अंतर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में लगभग 17,500 स्पीशीज तितलियों की पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं द पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, क्लाउडलेस सल्फर बटरफ्लाई एंड द फेयरी स्किपर बटरफ्लाई। ये काफी मनमोहक होती हैं। तितलियों का जीवन बहुत ही छोटा होता है, ये मात्र 1 महीने तक ही जी पाती हैं। पर कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो लगभग 9 महीनों तक जिंदा रह सकती हैं। चलिए सबसे फेमस तितली की बात करते हैं, जिसका नाम मोनार्च बटरफ्लाई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बटरफ्लाई अमेरिका से मेक्सिको और मेक्सिको से अमेरिका की यात्रा करते हैं और ये डिस्टेंस लगभग 3,000 माइल्स यानी 5,000 किलोमीटर की होती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शानदार यात्रा एक तितली ना करके उस तितली की 5 जनरेशंस करती हैं। और ये यात्रा अपने आप को और अपनी प्रजाति को ठंड के मौसम से बचाने के लिए की जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तितली का नाम क्वीन अलेक्सेंड्रा बर्डविंग है, जिसके पंख की लंबाई 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। और सबसे छोटी तितली का खिताब वेस्टर्न ब्लू पिग्मी बटरफ्लाई के नाम पर है, जो कि बस 2 सेंटीमीटर के बराबर ही होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मादा तितली नर तितली के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है? अब मन में ये सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नर है और कौन सी मादा? तो दोस्तों, एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप तितली को उड़ते देखें, तो उसके पंखों पे नजर डालिएगा। अगर पंखों पे थोड़े बड़े काले धब्बे दिखें, तो वह मेल बटरफ्लाई होगा। और साथ ही मेल बटरफ्लाई के पंखों की नसें थोड़ी पतली नजर आएंगी, वहीं पे फीमेल बटरफ्लाई की पंखों की नसें मोटी नजर आएंगी। बहुत ध्यान से ही देखने पे दिखेंगी ये आपको। अब एक सवाल आखिर में ये आता है कि अचानक से ये प्यारी नन्ही सी तितलियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? जिसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जब तितली अपने अंतिम दिनों में होती हैं, तब वे जंगल या किसी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पे चली जाती हैं और वहीं पे रहकर अपना शरीर त्याग देती हैं और अपनी छोटी सी हसीन जिंदगी को अलविदा कह देती हैं। पर एक बात शेयर करूं, क्या आज आपको तितलियां नजर भी आती हैं? नहीं ना, और आएंगी भी कैसे, हमने अपने स्वार्थ के लिए उनके आशियानों को ही नष्ट कर दिया है। और जैसे तैसे अगर कुछ तितलियां बच भी जाती हैं, तो उनको भी कुछ बेवकूफ लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कैद कर लेते हैं। पर दोस्तों, आप कभी ऐसा मत करना। एक तो ये बेचारे 1 महीने की ही जिंदगी जी पाते हैं और उसमें भी अगर हम इनको मार दें, तो फिर आने वाली जनरेशन इनकी खूबसूरती का लुफ्त कैसे उठाएंगे। और मेरा छोटे बच्चों को ये एडवाइस रहेगा कि आप कभी भी तितलियों को अपने हाथ से नहीं पकड़िएगा, क्योंकि उनके पंख बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और उनको पकड़ने से वे टूट भी सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है, बस उनको देखना है और उनकी खूबसूरती का लुत्फ उठाना है।
तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आपको तितलियों के बारे में कुछ तो नया सीखने को जरूर ही मिला होगा। और छोटे बच्चे जिनको तितलियों में इंटरेस्ट है, वे जरूर आगे चलकर इनके बारे में पढ़ाई करें और इनको एक्सटेंट होने से बचाएं, क्योंकि पृथ्वी के संतुलन के लिए हर जीव जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।